अभी ट्रेन आ रही है, तो मैं आपको उसका फ्रंट लुक दिखाना चाहूँगा, जो आगरा की जो मेट्रो है दोस्तों, ये है इसका फ्रंट लुक। तो देख सकते हो आप, इसका जो लुक है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है देखने में। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट ब्लॉग चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम आए हैं वो आगरा के मेट्रो स्टेशन पर आए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे, ये ताजमहल मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों आज का जो व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग में हम आगरा की जो मेट्रो है उसके बारे में हम डिटेलिंग वीडियो बनाने वाले हैं, और दोस्तों साथ ही कंपैरिजन करेंगे जो अभी तक हम RRTS के ऊपर अपने व्लॉग्स बना रहे थे, जो हमारी सीरीज़ थी उसका कंपैरिजन करेंगे आगरा की मेट्रो से। और दोस्तों ये जो मेट्रो स्टेशन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसका नाम है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। बिकॉज ऑफ दोस्तों यहाँ पर जो आप ये गेट देख पा रहे हो, ये ताजमहल की एंट्री गेट है। तो इसी लोकेशन के ऊपर इसका नाम रखा गया है ताजमहल मेट्रो स्टेशन। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये अंदर की तरफ ये सिटी का एरिया है, और यहीं पर ही महाराणा प्रताप जी की स्टैचू भी देखने को मिल जाएगा। और जस्ट इसके सामने यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, ये पार्क है, ये एक्चुअली गोल्फ कोर्स है। तो दोस्तों जो आगरा का जो डेवलपमेंट हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से देखा गया है इसका डेवलपमेंट। और जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं और उसका जो यहाँ पर कनेक्टिविटी दी गई है, बहुत ही अच्छे से कनेक्टिविटी दी गई है। तो अभी हम अंदर की तरफ चलेंगे और इस स्टेशन की आपको पूरी डिटेलिंग दिखाएंगे। ताजमहल की जो मेट्रो है इसका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अभी इसकी जो लाइन है अंडर कंस्ट्रक्ट चल रही है, और इसका 9 किलोमीटर का जो एरिया है वो रन कर दिया गया है पब्लिक के लिए। तो दोस्तों अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाएंगे आपको जो ताजमहल मेट्रो स्टेशन है वो किस तरीके का बनाया गया है और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप एंट्री देख सकते हो, बहुत ही बड़ी एंट्री इसकी बनाई गई है, और अंदर की तरफ चलेंगे और हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी गई है। तो ये जो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड स्टेशन है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसकी जो एम्बियंस है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और पूरा का पूरा ओपन जो इसकी एंट्री है, ये इसका बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट की जो कंजम्पशन है बहुत ही कम देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ बड़े बड़े यहाँ पर कांच के ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इंटीरियर के लिए यहाँ पे नेचुरल प्लांट्स। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं ताजमहल मेट्रो का अंडरग्राउंड स्टेशन। तो अभी ये जो हम आए हैं, ये इसका एंट्री गेट ऊपर की तरफ से आए हैं, और अभी एस्केलेटर के यहाँ पे सर्विस जो है वो मेंटेनेंस पे चल रही है, और ये है इसका नीचे का अंडरग्राउंड स्टेशन। तो दोस्तों अभी हम इसके कॉन्कोर्स लेवल पर आ चुके हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर जो इंडिया के जो कल्चर है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है। अंदर का जो इसका इंटीरियर लुक है, ये पूरी इंडिया की जो कल्चर है वो रिप्रेजेंट करी जा रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पे आगरा मेट्रो का मैप और जो इसकी फैसिलिटी है वो आपको यहाँ पे इस पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप वीडियो पॉज करके ये इधर की फैसिलिटी और जो यहाँ का जो फेयर जो है, जो किराया जो है एक तरीके से, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो टिकट के जो चार्जेज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टेशन पर स्टेशन के हिसाब से दिया गया है। सिंगल स्टेशन का 10 रुपये चार्ज है, 2 स्टेशन का 15, और 3 से 6 स्टेशन तक 20 रुपीज़ का इसका चार्ज दिया गया है। तो दोस्तों आगरा मेट्रो की ख़ास बात और मैं आपको बता दूँ, जो इसके मेट्रो की जो ख़ास बात है दोस्तों, आगरा मेट्रो में आप यहाँ पर बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी या प्री वेडिंग शूट्स, ये सब मेट्रो की सर्विस में आप ले सकते हो मेट्रो के अंदर। तो ये बिल्कुल यूनिक इसकी फैसिलिटी होने वाली है दोस्तों। अभी तक हमने जितने मेट्रो देखी हैं NCR में या लखनऊ मेट्रो भी हम गए हैं, तो वहाँ पे भी इस तरीके की कोई फैसिलिटी हमें देखने को नहीं मिली। आगरा में ये फर्स्ट टाइम दिया गया है कि मेट्रो के अंदर आप अपनी वेडिंग शूट या कोई भी गैदरिंग कर सकते हो। तो इसकी फैसिलिटी सिर्फ आगरा मेट्रो ही दे सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों मेट्रो स्टेशन के अंदर फूड कोर्ट वगैरह भी, वो भी हम अंदर की तरफ दिखाएंगे। अभी हम यहाँ से टिकट लेंगे, जो आप सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर टिकट विंडो है, टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेके फिर हम अंदर के मेट्रो का जो ट्रैवल है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इसका एंट्री गेट जो टिकट है वो उस तरीके से यहाँ पे स्कैन करके आप एंट्री कर सकते हो इधर स्टेशन के अंदर। और ये है इसका पूरा एंट्री का जो स्टेशन है, जो इसका कॉन्कोर्स लेवल है। तो दोस्तों यहाँ की जो
आप देख सकते हो जैसे कि इंटीरियर जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गुड लुकिंग इंटीरियर बनाया गया है। और यहाँ के जो सीलिंग आप जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये सारी नेचुरल लाइट है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये पूरी नेचुरल लाइट है। तो इस तरह के जो दोस्तों आजकल के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं मेट्रो के, वो सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस को देखकर और उस तरीके से डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको, जो आगरा की जो मेट्रो है दोस्तों, यहाँ पर आपको सेम RRTS की तरह वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी फ्री मिल जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सामने यहाँ पर वॉशरूम बनाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटी है वो फ्री दी गई है। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है, जो अब जो मेट्रो बनाई जा रही है, चाहे वो RRTS की हो या फिर आगरा मेट्रो, दोस्तों ये सारी फैसिलिटी जो है अब अपडेट कर दी गई हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है वो UPMRC के अंडर किया जा रहा है, जो इसके जो जॉइंट वेंचर जो है। तो अभी हम दोस्तों प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे हैं और ये इसका नीचे जाने का रास्ता बनाया गया है। तो जैसा कि अभी देख सकते हो, ये जो स्टेशन है वो 2 या 3 स्टेशन रन किए जा रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे पब्लिक कम देखने को मिलेगी। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे प्लेटफॉर्म की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको कंपैरिजन करने के लिए बता रहा था कि RRTS सर्विस में और जो आगरा मेट्रो की जो सर्विस है उसमें क्या क्या डिफरेंस होने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का ये ओपन ट्रैक है। और हम जो अभी तक ब्लॉक डाल रहे थे RRTS के, उसमें आपने देखा होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लगाए जा रहे थे। आगरा मेट्रो जो है इसकी जो स्पीड है वो 90 से 100 किलोमीटर पर आवर्स होने वाली है, जिस वजह से यहाँ पर इतना एयर प्रेशर जनरेट नहीं होगा। तो दोस्तों कॉस्ट कटिंग के लिए भी इस तरीके का कंस्ट्रक्शन को अवॉइड किया जाता है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर लगा जाए या अननेसेसरी चीज़ों के रिक्वायरमेंट ना हो, इस वजह से यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर नहीं लगाए गए। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो ये आ चुकी है हमारी ट्रेन, बट अभी हम इस ट्रेन में ट्रैवल नहीं करेंगे, इस ट्रेन में नहीं बैठेंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा और एक्सप्लोर करना है ये स्टेशन और इसका कंपेरिजन हम दिखाएँगे RRTS की सर्विस और जो आगरा मेट्रो की सर्विस है उसका। तो अभी वीडियो में बने रहिए और हम और भी चीज़ें जानेंगे इस स्टेशन के, उस ट्रेन के बारे में। तो गाइस मैंने यहाँ पे अभी जो यहाँ के गार्ड से उनसे एक चीज़ कंफर्म करी थी और वो मेरे को यहाँ पे स्टेशन के अंदर आती मैंने सबसे पहले ये चीज़ नोट कर ली थी, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। तो उससे यहाँ पर जो सीलिंग है, ये जो आप देख सकते हो ओटी डक जिसे बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल या इलेक्ट्रिकल सीलिंग नहीं दी गई है, जैसे DMRC में या RRTS स्टेशन में देखने को मिलती है। तो यहाँ जो स्टेशन ट्रेन को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाएगी वो किधर से करी जाएगी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये ट्रैक है और ट्रैक के जस्ट आगे जो आप ये येलो कलर की जो स्ट्रिप देख रहे हो ग्रीन कलर की, तो दोस्तों यहाँ से स्टेशन ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है। जो ट्रेन का जो इंजन का जो एक मोटर का जो लिंक बार है, वो लिंक बार इस पर टच रहता है और इधर से उसका इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा भी है डेंजर करके, और 750 वोल्ट DC हाई वोल्टेज कीप ऑफ द ट्रैक। तो दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है, क्योंकि जो आप देख सकते हो DMRC या RRTS स्टेशन के जो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए ओटी डक दी गई है और इसी में इलेक्ट्रिकल पोल दिए गए हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों वहाँ पर सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक डोर लगाए गए हैं, बट यहाँ पर ना तो ऑटोमेटिक अभी डोर लगाए गए हैं और मेरे यहाँ के इंजीनियर से बात हुई थी, तो आने वाले टाइम में अभी लगाए जाएंगे, क्योंकि ये अभी पूरा जो लाइन है वो अंडर कंस्ट्रक्ट चल रही है और इसके एवरेज 5 स्टेशन ये अभी चालू करे गए हैं। तो उसी हिसाब से अभी थोड़ा काम यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो पब्लिक है वो भी बहुत कम देखने को मिल रही है अभी। तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पर आपको गेट देखने को मिलेंगे और फिर तो इसके बाद जो ये आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की जो ये ग्राउंड पे जो लाइन दी गई है, इसका जो खतरा है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिफ्ट लास्ट में भी दी गई है और यहाँ पे 2 एस्केलेटर, दो ही स्टेयरकेस और 2 ही लिफ्ट दी गई हैं। दोस्तों स्टेशन जो है ये इतना बड़ा है नहीं, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव है, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ।
और फ्लोर वर्क भी बहुत अच्छे से किया गया है, उसका इंटीरियर जो डिज़ाइन किया गया है, और ये मेन स्ट्रक्चर कॉलम है, इसे भी बहुत अच्छे से पैनल से कवर किया गया है। अभी ट्रेन आ रही है तो मैं आपको उसका फ्रंट लुक दिखाना चाहूँगा। जो आगरा की जो मेट्रो है दोस्तों, ये है इसका फ्रंट लुक। तो देख सकते हो आप, इसका जो लुक है वो ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है देखने में। वैसे देखा है तो इसका जो डिज़ाइन है वो काइंड ऑफ DMRC के तरीके का है, लेकिन जो उसकी जो लुक बनाया गया है वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सब है दोस्तों, अभी हम मेट्रो के अंदर भी चल के आपको दिखाएंगे। और हमारी मेट्रो आ चुकी है दूसरे प्लेटफॉर्म पे, और अब हम आपको दिखाएंगे कि अंदर का जो मेट्रो का जो सिनेरियो वो किस तरीके का है। तो चलिए दोस्तों बैठते हैं अंदर मेट्रो की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ ताज ईस्ट गेट, तो ईस्ट गेट ये खुल गए हैं। और दोस्तों ये आ चुके हैं हम मेट्रो के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी पूरी खाली पड़ी है, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो स्टेशन है बहुत ही कम ओपन करे गए हैं, और बाकी की जो लाइन है वो अंडर कंस्ट्रक्ट चल रही है, जिस वजह से यहाँ पे जो पैसेंजर है बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन ही खाली है, चल रही है, बहुत ही कम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसके जो कोच है वो कोच भी आपको सिर्फ 3 ही देखने को मिलेंगे दोस्तों। आने वाले टाइम में ये नंबर ऑफ कोच बढ़ाए जाएंगे, जैसे जैसे यहाँ की पब्लिक बढ़ेगी और जो पब्लिक की डेंसिटी कैर करनी है वो बढ़ेगी। ये जो है सामने जो आप गेट देख रहे हो ये एमरजेंसी गेट है, और जब इसके आगे जो पैनल है वो पायलट का पैनल है, जहाँ से ट्रेन ऑपरेट करी जाती है। मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए आप देख सकते हो, ये अंडरग्राउंड स्टेशन से निकलकर जो उसके टनल का जो पोर्शन है वहाँ से ये बाहर आ चुकी है। तो मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा इसका जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का है। ये अभी हम अंडरग्राउंड सेक्शन से बाहर की तरफ आ रहे हैं, और अभी हम आ चुके हैं इसके एलिवेटेड स्ट्रक्चर की तरफ। और दोस्तों सामने की तरफ आप देख सकते हो एक लाइन इधर भी जा रही है इसकी, तो कंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों बहुत तेज़ी से चल रहा है यहाँ पर, जो आगरा की जो ये मेट्रो है, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रिप है, ये इसकी कनेक्टिविटी जो इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई दी जाती है वो इसी प्लेट से दी जाएगी। और ये अभी हम दूसरे स्टेशन पर आ चुके हैं, ये है एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको, जो मेट्रो का जो एलिवेटेड स्टेशन है वो किस तरीके का है और किस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। ये है इसका जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो इसका स्टेशन है फतेहाबाद स्टेशन। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फसाड वगैरह जो लगाई गई है वो बिल्कुल RRTS के तरीके से लगाई गई है। जो मेन जो इसका यूज़ है दोस्तों वो लाइट प्रोवाइड कराना है स्टेशन पे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम से कम हो सके। और जो स्टेशन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो बिल्कुल ओपन स्टेशन है। और सर्विस जो है दोस्तों वो DMRC की तरीके से ही दी गई है, और मैं एक बार इसका कॉन्कोर्स लेवल भी आपको दिखाना चाहूँगा। अभी नीचे की तरफ चलते हैं हम। तो ये है इसका कॉन्कोर्स लेवल, और यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हो पब्लिक जो है वो बहुत कम है। तो दोस्तों आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में बने रहिए, तो हम आपको आगे की भी इसकी जर्नी दिखाएंगे, जो आगरा की जो मेट्रो है वो किस तरीके की सर्विस दी जा रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ हम कंपैरिजन करते रहेंगे जो हमारी RRTS की जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो वहाँ की सर्विस है उससे कितनी बेटर है और क्या कंपैरिजन देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। एक ख़ास बात हमारी RRTS में दोस्तों ये भी देखने को मिलती है, लास्ट में जो है वो प्रीमियम लॉन्च देखने को मिलता है दोस्तों। वो जो स्टेशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर और उस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस दी गई हैं, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी को और जो डेवलपमेंट है इंडिया का वो बढ़ावा देने के लिए उस तरीके का प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। देखते हो आप, ये इसका पूरा रूट मैप है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो कि जो स्टेशन है वो आने वाले टाइम में कौन कौन से होने वाले हैं। तो अभी जो हम हैं फतेहाबाद रोड पर हैं, ये जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और हमें जाना आगरा फोर्ट। तो दो स्टेशन हैं हमारे, उसके बाद हम आपको थोड़ा आगरा फोर्ट का भी दिखाएंगे सिनेरियो। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर,
और चलते हैं आगरा फोर्ट की तरफ। तो दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी दोस्तों ट्रेन आ चुकी है जो ताजमहल से आई है, और अभी हम आगरा फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों इसका जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसकी जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छे से बनाया गया है। और मैंने इसमें एक इसकी ख़ास चीज़ देखी है दोस्तों, ये जो इसके रिंग्स हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पर। दिल्ली मेट्रो में दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे मेटल्स के प्लेट हैं सर्कुलर शेप में, वो स्प्रिंग का रोल ही प्ले करती हैं। तो चार्जिंग के जो स्पॉट है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इधर भी इंटरलिंक के पास भी दिया गया है और साथ ही साथ दोस्तों इधर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आगरा का मेट्रो का जो ये टूर, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मैं आगरा मेट्रो की एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये सामने ब्राउन कलर का और येलो कलर के इसके हैंडल दिए गए ऊपर, और सीलिंग भी इसकी दोस्तों थोड़ा ब्राउन शेड और क्रीम कलर में दी गई है। तो जो इसका इंटीरियर का जो लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक है। फिर से आ चुके हैं अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ और दिखाएंगे अंदर से। ये है अंडरग्राउंड स्टेशन जो हमारा स्टॉप भी है। तो दोस्तों स्टेशन का जो डिज़ाइन है वो सारे स्टेशन का ऑलमोस्ट सेम ही है, बीच में प्लेटफॉर्म दिया गया है और प्लेटफॉर्म के दोनों साइड यहाँ पे आपको ट्रैक देखने को मिलेगा। ये एक अप लाइन है और दूसरी डाउन लाइन है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैपिंग करी गई है बहुत ही अच्छे से मैपिंग करी गई है। कोई भी अगर अदर स्टेट या अदर सिटी से आता है ट्रैवल करने तो ईज़िली वो यहाँ की मैपिंग देख के ट्रैवल कर सकता है। तो बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है सारी चीज़ें, और साथ ही साथ हर स्टेशन में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की यहाँ पे इंडिया के कल्चर को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन बनाया गया है इसका इंटीरियर लुक जो है। तो अभी हम करते हैं एग्ज़िट। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो एस्केलेटर के दोनों साइड यहाँ पे डाउन साइड आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेगी। इसका जो यूज़ है दोस्तों नाइट टाइम में बहुत यूज़फुल लाइट है ये, क्योंकि कुछ लोगों को जो सीनियर सिटीज़न है उन्हें स्टेयर केस का जो एरिया है वो देखने में दिक्कत होती है। तो क्या है बाहर की तरफ जो हमारा रेड फोर्ट का जो एग्ज़िट एरिया है, और जैसे कि आप सामने देख सकते हो ये सामने लाल किला है रेड फोर्ट आगरा का। एक्टिविटी की ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है इस चीज़ का, कि जो लोग भी ताजमहल या रेड फोर्ट आते हैं घूमने के लिए उन्हें मेट्रो की सर्विस जस्ट उसके गेट के पास से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सब था यहाँ पर जो आगरा की जो मेट्रो है। आपको कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।